हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की आज की नई भर्ती को लेकर। तो इसमें जो है उत्तराखंड में अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। कुल कितनी पोस्ट हैं, कैसे आवेदन करना है, क्वालिफिकेशन सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में निकल के आ रखी भर्ती जिला परिवीक्षा अधिकारी अल्मोड़ा। इसमें यहाँ पर अल्मोड़ा में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जो है जिला बाल संरक्षण इकाई में पोस्ट निकल के आ रखी हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें यहाँ पर 20 फरवरी तक आपको जिला परिवीक्षा अधिकारी यहाँ पर जो है कार्यालय कमरा नंबर 314 विकास भवन अल्मोड़ा, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर डाक द्वारा या स्वयं जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 22 रुपये का डाक टिकट लगेगा। लास्ट डेट आपका 20 फरवरी को रहेगा, ठीक है। इसके लिए अगर बात करूँ पदों की संख्या, आप लोग देखते हैं यहाँ पर संरक्षक अधिकारी गैर संस्थानिक देखभाल का है। इसमें यहाँ पर एक पोस्ट है और 27,804 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या बाल विकास मानवाधिकार लोग इनमें जो है स्नातक होना, बहुत सारी पोस्ट हैं इनमें कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट आपका यहाँ पर जो कि परमादाता का है, तो इसमें संविदा के आधार पर रखा जाएगा। सभी संविदा के आधार पर पोस्ट हैं। 18,000 रुपये पर मंथ है। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास समाज कार्य या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या सार्वजनिक स्वास्थ्य और यहाँ पर परामर्श में स्नातक होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर जो है सामाजिक कार्यकर्ता का है। इसमें यहाँ पर संविदा पर आधार 18,536 रुपये मिलेगा। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास यहाँ पर समाज कार्य और यहाँ पर समाज शास्त्र और समाज विज्ञान यहाँ पर जो है स्नातक होना चाहिए और कार्य अनुभव वाले को जो है वरीयता दी जाएगी बताया गया है, जिसमें कंप्यूटर में प्रवीणता हो उसको दी जाएगी, जिसमें कंप्यूटर आता हो उसको यहाँ पर दी जाएगी वरीयता। उसके बाद से यहाँ पर जो कि आंकड़ा विश्लेषक का है, इसमें यहाँ पर संविदा के आधार पर सेम सैलरी आपका है इसमें। और इसमें क्वालिफिकेशन आपका गणित है, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, इसमें आप स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर प्रवीणता वाले को यहाँ पर जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। और दूसरा यहाँ पर इसका नेक्स्ट है यहाँ पर आउटसिटी का है। इसमें यहाँ पर जो है पोस्ट के लिए जो सैलरी है 10,592 है। इसके लिए इंटरमीडिएट या उसके कम से कोई भी उत्तीर्ण कर सकता है और यहाँ पर कार्य करने वाले को जहाँ पूरी तरह दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर केस वर्कर का है। इसमें महिला की 2 पोस्ट हैं और 2 आपके यहाँ पर जो है मदर और फादर यहाँ पर है, हाउस मदर हाउस फादर का है। इसमें महिलाओं के लिए है 4 पोस्ट है और 23,000 रुपये और इसमें 14,000 रुपये मिलेगा। इसकी क्वालिफिकेशन आप देखते हैं यहाँ पर मनोविज्ञान या समाज कार्य में या समाज शास्त्र में आपके स्नातक प्रास्नातक होना चाहिए, स्नातक प्रास्नातक लिखा गया है, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर जो है स्टोर कीपर का है और 2 पोस्ट हैं। संविदा के अलावा 18,000 रुपये समथिंग सैलरी है। बीकॉम लेखा के क्षेत्र में यहाँ पर जो है कम से कम 3 वर्ष से कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, कंप्यूटर जानकारी भी होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट है आपका प्रबंधक समन्वय का है और इसमें यहाँ पर जो है 23,000 रुपये सैलरी मिलेगा। स्नातक प्रास्नातक अंग्रेजी के साथ यहाँ कंप्यूटर का ज्ञान, 6 महीने का डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद से ये पोस्ट आपकी है जो कि अर्ध चिकित्सा स्टाफ नर्स की पोस्ट है। उसके बाद से क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा आप, ठीक है। आया की पोस्ट है, चौकीदार की पोस्ट है, कला शिल्प संगीत अध्यापिका का है। उसके यहाँ पर पीटी अनुदेशक स योग अध्यापिका का है। इसमें 10,000 रुपये सैलरी है आपका यहाँ पर। और यहाँ पर हेल्पर की पोस्ट है और ठीक है परामर्शदाता का है। और उसके बाद से यहाँ पर कुल 32 पोस्ट निकली हैं, ठीक है। तो टोटल 32 पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाली गई हैं और इसका फॉर्म आपको इस तरह का मिलेगा, ऑफलाइन फॉर्म है और इसके ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा। ये फॉर्म आप डाउनलोड करके ऑफलाइन ही फिल करना है, नहीं आप वहीं जाकर जाकर जो फॉर्म दे सकते हैं। ये फॉर्म आपको इसकी ऑफिस अल्मोड़ा की साइट पर मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक कर लेना। बाकी ये ऑफलाइन तरीके का फॉर्म है, ये कोई ऑनलाइन आपको फॉर्म नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चेक कर लेना वेबसाइट में जाकर।